आज है लक्ष्य और रागिनी का मिलन, आज ये दोनों एक हो जाएंगे, आज इनके बीच की सारी दूरियां, सारी गलत फहमियां खत्म हो जाएंगी। आज लक्ष्य रागिनी से अपने प्यार का इजहार कर रहा है और रागिनी उसकी बाहों में समा रही है। लगता है अब लक्ष्य ने स्वरा को हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया है। तभी तो देखिए अब वो रागिनी के साथ प्यार की नई इबारत लिख रहे हैं। चेहरे पे तो हमेशा लक्ष्य के लिए प्यार के क्या क्या स्वर तो दिखते ही थे और थे भी। लक्ष्य के लिए नया नया है। हाँ। माहौल बड़ा रोमांटिक था, प्रेम अगन लगी हुई थी, कमरे में कैंडल जली हुई थी। मगर ये क्या, इन्हीं कैंडल्स की वजह से रागिनी के दुपट्टे में आग लग गई। आग जरूरी है, वैसी नहीं तो ऐसी सही। हाँ, सीन भी बहुत हॉट है ना, तो उस हीट के वजह से मेरी साड़ी पर आग ही लग गई। मगर एक हीरो की तरह लक्ष्य ने रागिनी को बचाया। मगर ये आग ऐसे ही नहीं बुझी, बल्कि इस अगन ने एक अलग ही प्रेम अगन जला दी, लक्ष्य और रागिनी के प्रेम की अगन। रागिनी को मैं बोलूँगा थैंक्स कि मुझे बहुत अच्छी कोएक्टर मिली साथ में और बहुत अच्छी फ्रेंड है मुझे इसके साथ काम करने में। हम लोग जितने भी सीन्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है और ये सच में बहुत टैलेंटेड है। रागिनी, इसे एक ख्वाब ही समझिए, क्योंकि जो कुछ लक्ष्य ने आपके साथ किया और जो कुछ आप लक्ष्य के साथ करती रही, उसके बाद इस बात की पॉसिबिलिटी कम ही है कि लक्ष्य आपसे सच्चा प्यार करे। खैर, जो भी होगा आपको और हमको पता चल ही जाएगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।